क्या हुआ? तुम कैसे गाते हो? तुम नीरव को बुलाओ, वो बहुत अच्छी लोरी सुनाता है। भाभी जी, जरा वीर को फोन दीजिएगा, मुझे वीर से नाहर की पत्नी सलोनी के बारे में कुछ बात करनी है। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। नहीं, मैं नीरव के हाथ से ही खाना खाऊंगी। हर महीने किसी स्टेला नाम की लड़की के अकाउंट में उर्वशी इतनी बड़ी रकम क्यों डिपॉजिट करती है? क्यों उसके अकाउंट में ट्रांसफर करती होगी? और कौन हो सकती है स्टेला? तुम बहू छोड़कर भोपाल जाना चाहते हो? इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे पूछना? तुम मुझे अब बता रहे हो नीरव? निशी, बात को समझने की कोशिश करो। जब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा तब तक सलोनी नाहर को अपने करीब नहीं आने देगी। हर जरूरत, हर चीज के लिए वो मुझे पुकारती है। ऐसे में नाहर पे क्या गुजरती होगी मैं सोच सकता हूँ। बेहतर है कि मैं भोपाल में अंकल का जो फार्म हाउस है उसे जाके संभालूं। नीर, तुम्हारे पहले से ही बहुत एहसान है मुझ पर। अगर मैं चुकाना चाहूं तो शायद ये जिंदगी भी कम पड़ेगी। और अभी जाने की बात कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो प्लीज। ना, हर बात को प्लीज समझो। आज सलोनी मुझ पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। ना हर, जब तक एक दोस्त उसके दिल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक एक नए दोस्त को अंदर आने में बहुत मुश्किलें होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। आज एहसास हो रहा है कि इंसान कितना अंधा हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचा। तुमने जो सलोने के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा। नहीं ना, अब ये कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नाहर, मैं सिर्फ एक चीज तुमसे मांगना चाहता हूं। नाहर, सलोनी जितनी मासूम है उतनी पवित्र भी है। वादा करो कि तुम उस पर कभी शक नहीं करोगे। नील, अपने किए की बहुत बड़ी सजा भुगत चुका हूं। तुमसे वादा करता हूं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। और एक बात, नाहर, सलोनी सुबह 6 बजे उठ जाती और उसे नाश्ते में मक्के की रोटी और उस पर ढेर सारा मक्खन लगता और वो दवाई तब तक नहीं खाती जब तक उसे कोई कहानी ना सुनाए। मेरा भरोसा करो, मैं सलोनी का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम बहुत खुशनसीब हो। नील जैसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में बहुत प्यार देगा। था क्या हो गया वो? काबरी, लगता है ऐसे भूख लगी। हमने उसे चुप कराने की कितनी कोशिश की लेकिन ये रोती ही जा रही थी और इस बच्चे के साथ कितना खुश होकर खेल रही है।
शायद हमसे ज्यादा इसे अपने भाई बहन के साथ की जरूरत। सच कह रहे हो आप, बच्चों को हर पल अपने साथ खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, और ये साथ उनके भाई बहनों के अलावा और कौन दे सकता है उन्हें। कावेरी, शायद तुम ठीक कह रही हो। घर में अगर निकिता का कोई भाई या बहन हो तो उसके लिए अच्छा होगा। इसका एहसास अब हो रहा है मुझे। मेरे ख्याल से हमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। समर, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही चाहती थी। मीरा, आप चल के इंतजार में बैठिए, हम यही वेट करते हैं आपका। कितनी बार कहा उसे अकेला मत छोड़ा करो, कहाँ चली गई थी? सॉरी मैडम। स्टेला, ये बच्चा हमारी जान है, बहुत कीमती है हमारे लिए, आइंदा से ध्यान रखना। मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने मुझे पैसे भी दिए और मुझसे झूठ भी बुलवाया कि ये मेरा बेटा है, और आप इसे अपने पास भी नहीं रखती हैं, सिर्फ सैटरडे टू सैटरडे मिलने आती हैं। हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने काम से ज्यादा कुछ और सवाल जवाब करते हो। जाओ। जिंदगी भर भी खोजते रहेंगे ना, तो भी नहीं जान पाएंगे कि हमारा बच्चा उनकी नाक के नीचे पल रहा है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, हूं कि नहीं? हो। तो अपने दोस्त का कहा मानोगी? अभी थोड़ा सा खा लो, फिर जब मीरा आएगा तो उसके साथ और खा लेना। नहीं, पहले नीरव को बुलाओ तो खाना खाऊंगी। प्लीज। मैं खाना खा लूंगी हाँ, लेकिन तुम अपने हाथों से खिलाओगे तो जैसे नीरव खिलाता है?
आज मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। एक मिनट सुनो, आज तुम्हारा व्रत है ना, और तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हो, तो भला मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? उपवास मेरा है, तो भला आप क्यों भूखे रहेंगे? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी का अर्थ जानती हो ना, आधा अंग। और जब आधा अंग भूखा हो तो भला आधा अंग कैसे कुछ खा सकता है? और मैं जानता हूँ तुम्हारे ये सारे व्रत हमारे प्यार और इस परिवार की खुशियों के लिए होते हैं। मुझसे इतना प्यार मत कीजिए कि आपको मेरी और मुझे आपकी आदत ही पड़ जाए। रुक क्यों गए, खिलाओ ना। जिसने तुम्हें अपने कल और आज से इतना दूर कर दिया, वजह से आज तुम्हारी यह हालत हुई है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा सलोनी, कभी नहीं। आप अभी तक यही बैठी हैं? भाई ये मेडिटेशन में हमें कोई एक दो घंटे लग जाते हैं, तो आप यहाँ बैठी बैठी बोर क्यों होती है? जाइए कहीं घूम आइए। हम बिल्कुल बोर नहीं होते हैं, हमें आपके साथ रहना अच्छा लगता है वीर। आफ्टर ऑल आपकी पत्नी है। भाई खुशकिस्मत है हम, आप वाकई एक सर्वगुण संपन्न पत्नी है। थैंक यू, आई थिंक आई एम लकी टू। I'm so sorry, वीर। हम खुद को अच्छी पत्नी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जैसे आपने कहा ना, एक सर्वगुण संपन्न पत्नी। Exactly. ऐसी पत्नी होने का रोल निभाना हमें बखूबी आता है, जो बहुत से लोगों को नहीं आता है। तभी तो सब कुछ होकर भी आज जिंदगी में उनके पास कुछ भी नहीं है। वैसे पर्सनली वीर, हमें पसंद नहीं है एक पतिव्रता की एक्टिंग करना, लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ पाने के लिए इंसान को दिखावा करने का सहारा तो लेना ही पड़ता है। Well, that's what I'm doing, वीर। Excuse me, हमें स्टेला बेंजामिन के अकाउंट में कुछ कैश डिपॉजिट करना है। अकाउंट नंबर है 9800534। श्योर मैम, अमाउंट क्या है? जी 2,00,000 रुपये। सॉरी मैम, किसी के भी अकाउंट में इतना बड़ा पैसा जमा करने से पहले उसकी मंजूरी लेना ज़रूरी होता है। ओह, लेकिन हमें स्टेला ने ये कैश यहाँ डिपॉजिट करने को कहा है। कुछ राइटिंग में है आपके पास? जी नहीं, राइटिंग में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्टेला से फ़ोन पर बात करवाती हूँ ना। आई एम सो सॉरी, हमने स्टेला का नंबर तो सेव किया ही नहीं है। आपके पास तो उनका नंबर होगा ना? मैं एक मिनट चेक करती हूँ मैम। लिखिए मैम, द नंबर इज 251-234-33-4-33। फोन तो बिजी आ रहा है। Then I'm sorry, ma'am. मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ओके, आई अंडरस्टैंड। शुक्र है, स्टेला का नंबर तो मिल गया।
अब एड्रेस ढूंढना तो बहुत आसान होगा, लेकिन कंफर्म कर लेना जरूरी है। हेलो, राठौड़ अनाथ आश्रम जी, हम स्टेला जी से बात करना चाहते हैं। जी, वार्डन मैडम तो अभी यहाँ पे नहीं है, कुछ मैसेज तो आप दे सकती हैं। नहीं जी, कोई मैसेज नहीं है, हम बाद में फोन कर लेंगे। अच्छा जी, ठीक। मतलब स्टेला राठौड़ अनाथ आश्रम की वार्डन है। गुड। अरे राजकुमार, तुम मुझे गार्डन में क्यों लेके आए? क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि सलोनी को ताजी हवा मिलेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए। मुझे वो चाहिए। क्या? कैरी। मैं पेड़ पर चढ़ के लेके आती हूँ। अरे नहीं, रुको, अरे तुम गिर जाओगी। अरे नहीं, मुझे आदत है। लेकिन लेकिन सलोनी, अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? तुम्हें कैसे समझाऊं? एक काम करते हैं, हम बाजार से लेंगे, ठीक है? मुझे बाजार से नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। अरे रुको 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 रुको, तो एक काम करते हैं, मैं कैरी तोड़ के लाता हूँ। ये वाला? मुझे उठाओ तो। दुख रहा है, मैं घर जाके दवा लगा दूंगी। हाँ, hey।